हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, आपका इस ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम एनाटॉमी के जो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो डिजीज पोर्शन है इसका वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन मोटा मोटा जो स्केलेटल सिस्टम है, कौन सी बोन्स कहाँ पे प्लेसमेंट है, तो उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम है जिससे अपन कैसे मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी का, कहाँ पे अपन वॉक कर रहे हैं, कैसे अपनी बॉडी मूवमेंट कर रही है, कैसे बॉडी स्टैंड कर रही है, वो अपना सारा डिपेंड किसके ऊपर है, स्केलेटल सिस्टम पे, अपनी बोन्स के ऊपर। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे कि स्केलेटल जो सिस्टम है उसका ओरिजन कैसे होता है, उसका ओरिजन कहाँ पे होता है, किसकी बात करेंगे अपन, ओरिजन की। स्केलेटल सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो ड्यूरिंग द जायगोट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, अपना जो पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, जर्म सेल के द्वारा। कौन सी सेल के द्वारा होता है, जर्म सेल के द्वारा। वो जो जर्म सेल होती है वो तीन प्रकार की जर्म सेल होती है। वो कौन कौन सी होती है, जर्म सेल या जर्म लेयर वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरी होती है मेजोडर्म। कौन सी होती है, मेजोडर्म। थर्ड वन कौन सी होती है, एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं वो ही अपनी जो बॉडी होती है उसका निर्माण करती हैं। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं उसी के द्वारा अपना डेवलपमेंट या बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्टोडर्म और मेजोडर्म और एंडोडर्म, ये जो एंडोडर्म अलग अलग जो अपने सिस्टम है, अपने ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग सिस्टम वाइज अपन उनका ओरिजिन पढ़ेंगे कि एक्टोडर्म के द्वारा कौन सा ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है, एंडोडर्म के द्वारा कौन सा हो रहा है, जैसे नर्व सिस्टम का एक्टोडर्म के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार जो अपना स्केलेटल सिस्टम होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेजोडर्म के द्वारा। दोस्तों इसका जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजोडर्म है जो जर्म लेयर है वो किसका निर्माण करती है, स्केलेटल सिस्टम का। ये जरूर आप ध्यान में रखना, मेजोडर्म कौन सी मेजोडर्म होती है वो किसका निर्माण करती है, स्केलेटल सिस्टम का। अब अपन स्केलेटल सिस्टम की ओरिजिन की बात कर ली अपन ने, अब अपन इसके बारे में करते हैं स्केलेटल सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में करेंगे कि कौन सी बोन कहाँ पे प्लेसमेंट है और इनका मतलब कहाँ पे इसका कौन सी कितनी इसकी साइज है और कौन सी बोन का क्या फंक्शन है, अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो मोस्टली अपने स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन। कौन कौन सा, एक्सियल और एपेंडिकुलर। कौन सा पढ़ते हैं, एक तो एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर। कौन सा पढ़ते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल वो होता है जैसे अपने बॉडी का जो स्कल पार्ट है, जो स्कल की जो बोन्स है और जो अपनी थोरेक्स की जो बोन है, वर्टिब्रा है, वो कौन सी में पढ़ेंगे अपन, एक्जिला में। इनको जो एक्जिला पार्ट को छोड़, एक्जियल स्केलेटल सिस्टम को छोड़कर जो अटैच करता है उस एक्जियल को, वो कौन से में पड़ता है अपन, एपेंडिकुलर में। जैसे अपने एक्सट्रीमिटीज आ गई, वो अपन किस में पड़ेंगे, एपेंडिकुलर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसके बारे में देखते हैं, एक्जियल प्लस एक्जियल के बारे में देखते हैं कि एक्जियल में अपन कौन कौन से बोन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे कौन सी, स्कल की बोन, स्कल की बोन। दूसरा अपन पढ़ेंगे थोरेक्स की बोन, कौन सी, थोरेक्स बोन। तीसरा अपन पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा। और फोर्थ वन अपन पढ़ेंगे ओसिकल की बोन, ओसिकल बोन। ठीक है, ये अपन किस में पढ़ेंगे, एक्जियल क्लासिफिकेशन में। एपेंडिकुलर में अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज की जो बोन है, अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन है,
और दूसरा लोअर एक्सट्रीमिटीज की। कौन सी? लोअर एक्सट्रीमिटीज की। ठीक है दोस्तों, यहां से भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? एक्सियल का अपन को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, उसके किसी तीन बोन का नाम देके एक्सेप्ट में अपन एपेंडिकुलर का बोन का नाम डाल करके अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ एग्जाम से अपन को ये पता होना चाहिए एक्सियल क्लासिफिकेशन में कौन सी बोन आती है, एपेंडिकुलर में कौन सी बोन आती है। तो अपन फर्स्ट ऑफ कौन सा एक्सियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आपको सबको जैसा पता होता है कि टोटल जो बोन होती है वो कितनी होती है, कितनी बोन होती है 206, कितनी बोन होती है 206 बोन होती है, 206 बोन होती है। और अपन अपनी न्यू बोन की बात करें, किसकी न्यू बोन की अपन बात करें तो न्यू बोन में ये जो टोटल बोन्स होती है वो 300 to 350 बोन्स होती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि टोटल बोन्स कितनी होती है 206 होती है वो एडल्ट्स में होती है, और न्यू बोर्न में कितनी होती है 300 to 350। अब दोस्तों अपन किसके बारे में जाना अपन ने कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब अपन इसमें बात करेंगे स्कल बोन के बारे में। स्कल में जो टोटल बोन होती है वो कितनी, एक्सियल में टोटल बोन होती है वो कितनी होती है 80 बोन्स। अब टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें उसमें कितनी होती है 80 बोन्स, कितनी होती है 80 बोन। स्कल में अपन बात करें, स्कल की बात करें तो इसमें टोटल बोन कितनी होती है 22, कितनी होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्कल वाले जो स्केलेटल जो सिस्टम है उसमें कौन सी कितनी बोन आती है, वो आएगी टोटल 22 बोन। इसमें भी अपन बात करें तो इसमें दो होती है, दो डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे कौन सा, एक तो फेशियल बोन दूसरा क्रेनियम बोन। कौन सी पढ़ेंगे, फेशियल बोन और क्रेनियम। टोटल फेशियल बोन होती है वो कितनी होती है 14, और क्रेनियम बोन होती है एडल्ट्स के अंदर 8, कितनी बोन होती है 8 बोन होती है। और यहीं पे यदि न्यू बोन या न्यू बोन की बात करें कि टोटल, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टोटल न्यू बोन के अंदर क्रेनियम बोन कितनी होती है 5, कितनी होती है 5। अब अपन ने जाना कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन 80 होती है, और न्यू बोन में अब इस क्रेनियम बोन की बात करें वो कितनी होती है न्यू बोन में 8। तो ये अपन को ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात की कौन सी, क्रेनियम बोन की। क्रेनियम बोन्स की टोटल अपन ने बात की वो कितनी होती है 8। अब इसकी टोटल नंबर कितनी होती है 8। अब इसमें जो क्रेनियम बोन्स होती हैं उनकी कौन कौन सी बोन होती है वो अपन देखते हैं। एक तो होती है क्रेनियम। क्रेनियम में कौन सी होती है, फ्रंटल बोन। कौन सी होती है दोस्तों, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन नंबर में अपन बात करें तो वो कितनी होती है 1। फिर अपन बात करें पैरेटल बोन की, पैरेटल बोन की अपन बात करें, फ्रंटल बोन कौन सी आ गई, जो अपनी फोरहेड पे जो बोन होती है वो कौन सी होगी, फ्रंटल बोन। उसके ऊपर उसके आगे जो बीच में होती है वो कौन सी होती है, पैरेटल बोन, जो नंबर में कितनी होती है 2। और अपन यहाँ की जो टेम्पोरल की बात करें, ये जो बोन होती है वो कौन सी होती है, टेम्पोरल। कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन, वो नंबर में कितनी होती है 2। दूसरी बात करें अपन पीछे ऑक्सीपिटल बोन होती है वो कितनी होती है नंबर्स में 1। दोस्तों इसमें जो ऑक्सीपिटल जो पार्ट होता है अपना, ऑक्सीपिटल जो बोन होती है उसमें क्या होता है, एक होल होता है, उसको फोरामेन ऑफ बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं। वो क्या होता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम, वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड उस जो होल होता है उसके थ्रू नीचे वर्टिब्रा तक जाता है।
तो इसलिए ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है, फोरामेन ओवल होता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है सॉरी, जो स्पाइनल कॉर्ड को पास करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया ऑक्सीपिटल बोन, एक होती है स्पाइनल बोन, स्पाइनल बोन, और एक होती है इथमॉइड बोन। कौन सी होती है? इथमॉइड बोन। ये दोनों नंबर्स में एक एक होती है दोस्तों। तो टोटल कितनी होगी? चार और चार, आठ बोन। टोटल कितनी होगी? क्रेनियम के अंदर आठ बोन होगी। अपन इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या है कि अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रंटल बोन है, पेरेटल बोन कहाँ पे होती है, टेम्पोरल बोन कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल बोन कहाँ होती है, और इनकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तीन बोन का नाम लिख के और किसी दूसरे बोन का नाम देके और अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपन को ये पता होना चाहिए। ये क्या होगी? क्रेनियम बोन। अब जो क्रेनियम बोन होती हैं, उनके बीच में जो दो क्रेनियम बोन जुड़ती हैं, उनके बीच में जो जुड़ती हैं, जैसे मान लो ये स्कल है, ये स्कल है, ये अपना फ्रंटल बोन है, और ये टेम्पोरल बोन है, तो ये पेरेटल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो इनको जोड़ने पे जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको दो बोन को जोड़ने पे जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर। सूचर की अपन बात करें, टोटल सूचर होते हैं कितने होते हैं? टोटल सूचर की अपन बात करें आप, वो कितने होते हैं? चार। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि टोटल सूचर अपन से पूछा जाए एग्जाम में तो कितने होते हैं? चार होते हैं। अब अपन बात करें सूचर की कि दो जो फ्रंटल बोन को और पैरेटल बोन को जोड़ने वाला जो सूचर होता है, बिटवीन फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन, इनके बीच ये जो जोड़ने वाला बोन होता है, सूचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। और इसका अपन को पता होना चाहिए कि ये जो पैरेटल बोन को फ्रंटल बोन को जोड़ने वाला कौन सा होता है? कोरोनल सूचर। ठीक है, दूसरा अपन बात करें दो पैरेटल बोन्स को जोड़ने वाला, ये जो पैरेटल बोन है इसको जोड़ने वाला जो सूचर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। उसको क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। और पैरेटल को टेम्पोरल से जोड़ता है, पैरेटल को जो टेम्पोरल से जोड़ता है उसको बोलते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस सूचर। ठीक है दोस्तों, और पैरेटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इथमॉइड, सॉरी लैम्बडॉइड सूचर। उसको बोलते हैं लैम्बडॉइड सूचर। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लैम्बडॉइड सूचर। ये अपनी क्या आगे सूचर्स की बात आगे, टोटल सूचर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कोरोनल सूचर, सेजाइटल, स्क्वैमस और लैम्बडॉइड सूचर। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये होगी क्रेनियम की जो एट मसल्स, एट बोन्स थी वो के बारे में अपने पढ़ा और अपने देखा कि कौन सी न्यू बोन में कितनी बोन होती है क्रेनियम और एडल्ट में कितनी होती है, ये अपन ने जाना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फेशियल, फेशियल बोन। टोटल फेशियल बोन होती है वो कितनी होती है एडल्ट में? 14, 14 बोन होती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स में पूछ सकता है, शॉर्ट में राजस्थान की वैकेंसी में पूछ सकता है। तो अब अपन बात करें फेशियल की जो बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है, उनका नाम देखें। पहली होती है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन होती है ये वाली, ये कितनी होती है नंबर्स में अपन बात करें वो होती है 2। दूसरी मैक्सिला, कौन सी? मैक्सिला बोन, वो कितनी होती है नंबर्स में? टोटल 2 बोन होती है। ठीक है, अब अपनी बात करें मैक्सिला, फिर लैक्रिमल बोन, वो नंबर्स में कितनी होती है? 2। फिर बात करें लैक्रिमल होगी, मैक्सिला होगी, जाइगोमेटिक होगी, दूसरी बात करें मैंडिबल, मैंडिबल वो नंबर में कितनी होती है? 1। फिफ्थ नंबर पे आती है ह्यूमर,
उम्र होती है वो कितनी होती है, नंबर्स में एक होती है। और सिक्स वन की बात करें, पहले टाइम वो होती है नंबर्स में दो। तो ये टोटल अपनी कितनी मैंडिबल हो गई, उम्र हो गई, और एक एक बोन और होती है, कौन सी, इंफीरियर इंफीरियर नेजल कोच, कॉन्च, वो कितनी होती है नंबर्स में दो। ठीक है, अब इनमें सबसे ये इनका अपन को नाम ही पता होना चाहिए, बाकी इनमें से इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है। बाकी जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो मैंडिबल के बारे में पूछा जाता है कि जो फेशियल स्कल की जो बोन है, मोस्टली जो स्कल की जो बोन है उनमें ओनली जो एक बोन है जो क्या होती है, मूवेबल बोन है, बाकी और सभी बोन्स क्या होती है स्कल की, अनमूवेबल होती है। तो ये क्या है, मूवेबल बोन है। ठीक है, दूसरा, और ये हेवीएस्ट बोन, बॉडी की जो हेवीएस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। ये अपन को पता होना चाहिए कि मूवेबल बोन कौन सी है स्कल की बोन में, और हेवीएस्ट बोन कौन सी है, वो है मैंडिबल। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन की बात करें, सबसे छोटी बोन की बात करें फेशियल बोन्स के अंदर या स्कल बोन के अंदर, तो वो कौन सी है, लैक्रिमल बोन, कौन सी है, लैक्रिमल बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन फेशिया। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी, लैक्रिमल, किसके अंदर, स्कल के अंदर। ये जरूर ध्यान रखना कि स्कल बोन के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, लैक्रिमल बोन, और मूवेबल बोन कौन सी होती है, मैंडिबल, और हेवीएस्ट बोन कौन सी है, मैंडिबल। ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें स्कल के बारे में, अपने बात कर ली, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में दोस्तों, थोरेक्स बोन के बारे में। थोरेक्स में यदि क्वेश्चन आता है, थोरेक्स बोन के बारे में यदि क्वेश्चन आता है कि टोटल थोरेक्स की जो बोन होती है, जो थोरेक्स की जो टोटल बोन होती है थोरेक्स की जो टोटल बोन की बात करें अपन, टोटल बोन होती है थोरेक्स में वो कितनी होती है, 25, कितनी होती है, 25। आपको ऑप्शन में 22, 25, 26, 24 ऐसा सब मिल सकता है, तो लेकिन रिब्स को देख के आपको 24 नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है, थोरेक्स की बोन पूछा है, उसमें क्या आएगा आंसर आपका 25। अब इसमें अपन देखते हैं कि थोरेक्स में कौन कौन सी बोन्स आती है। थोरेक्स में एक आती है कौन सी, स्टर्नम, और सेकेंड वन रिब्स। ठीक है, स्टर्नम होती है वो अपने कहां पे होती है, अपने चेस्ट के अंदर। स्टर्नम का मैं थोड़ा गंदला सा स्टेकर बनाऊंगा, ये ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम है। अब इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखना, स्टर्नम की साइज क्या होती है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्लेविकुलर क्या बोलते हैं, क्लेविकुलर नोच, जिसमें क्या होता है क्लेविकल आगे यहाँ पे दोनों साइड में जुड़ती है, इसको मैं इसको बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस। ये क्या है, जीफोइड प्रोसेस है, ये इसका साफ्ट है, या साफ्ट भी बोल सकते हैं, मीडियम पार्ट है, और ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ये इसका अपर पार्ट है। इस बोन को, स्टर्नम को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि ब्रेस्ट बोन कौन सी बोन को बोलते हैं, स्टर्नम को। ये जरूर ध्यान रखना कि ब्रेस्ट बोन कौन सी बोन को बोलते हैं, स्टर्नम को। अब यदि अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरिंग सीपीआर स्टर्नम जो रेस्क्यूअर है या जो हेल्थ केयर वर्कर है या कोई भी पर्सन है जो
पेशेंट पे या किसी पर्सन को सीपीआर की नीड है तो उसका हाथ है वो कहाँ पे प्लेस करेगा, स्टनम के कौन से पार्ट में या चेस्ट के कौन से पार्ट में होगा, तो क्वेश्चन आता है तो उसमें हम को क्या मेंशन करना है, लोअर हाफ ऑफ स्टनम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसमें अपन को क्या मेंशन करना है कि लोअर हाफ ऑफ स्टनम ड्यूरिंग सीपीआर, अपन हाथ अपना प्लेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान। ये हो गया स्टनम। स्टनम के बाद में अपन बात करते हैं रिब्स की। किसकी बात करते हैं? रिब्स की। टोटल रिब्स होती हैं वो 24 होती हैं, जैसा आपको पता है। कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है दोस्तों, 24 होती है। पैर में अपन बात करें तो कितनी होती है? 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर। क्वेश्चन आता है कि टोटल रिब्स कितनी होते हैं, तो आएगा 12 पेयर में। पेयर में पूछता है तो 12 करना है, और यदि सिंगल वैसे पूछता है 24 ऑप्शन में है तो 24। अब यहां पे तो ये क्या आ गई? स्टर्नम, ठीक है। अब अपन रिब्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो रिब्स हैं 1 से लेकर 7 तक, इन रिब्स को अपन क्या बोलते हैं? ट्रू रिब। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रू रिब कौन सा है, फास्ट रिब कौन सी है और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है। अब बात करें 7, 8 और 9, 8 से और 10, 8 से लेकर के जो 10 तक और 1 से लेकर के 7 तक जो रिब्स है वो तो क्या कहलाएंगे? ट्रू रिब्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे? फॉल्स रिब। क्या कहलाएंगे? फॉल्स रिब कहलाएंगे। और इसके बाद की जो रिब्स हैं 11 और 12 की अगर बात करें, वो रिब्स, ये दो रिब्स होती हैं 11 एंड 12, ये रिब्स क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब। इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। यदि मान लो क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरिंग बर्थ एक एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब प्रेजेंट ड्यूरिंग बर्थ, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? उस रिब का नाम, उस रिब को क्या बोलते हैं? गोरिला रिब। उस रिब को क्या बोलते हैं? गोरिला रिब। दोस्तों इसको जरूर याद रखना, ये वाला क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। इसको क्या बोलते हैं? गोरिला रिब। यदि एक्स्ट्रा फ्लोटिंग रिब है तो उसको क्या बोलते हैं? गोरिला रिब। आपको पता चल गया ट्रू रिब कौन सी है, फास्ट रिब कौन सी है, फ्लोटिंग रिब कौन सी है और गोरिला रिब कौन सी है। ये अपने रिब्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। दो रिब्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? अपन इंटरकोस्टल स्पेस। ये हो गया, ये क्या है? इंटरकोस्टल स्पेस होता है। यदि एग्जाम में आता है कि टोटल इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इंटरकोस्टल पूछ सकते हैं, रिब भी पूछ सकता है। यदि रिब पूछेगा तो अपन को 12 पेयर करना है, और इंटरकोस्टल पूछता है तो अपन को क्या करना है? 11। इसमें आंसर क्या आएगा? 11। तो ये जरूर ध्यान में रखना कि 11 इंटरकोस्टल होते हैं, क्योंकि अपना एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसमें ये जरूर कंफ्यूज नहीं होना। इंटरकोस्टल स्पेस 11 होंगे और 12 पेयर रिब होती हैं। स्टर्नम की साइज क्या होती है? ट्रू रिब्स, फास्ट रिब्स, ये गोरिला रिब अपन ने पढ़ा है, बस ये ठीक है। अब ये क्या हो गया? थोरेक्स रिब हो गई। अब अपन बात करते हैं वर्टिब्रा की। किसकी बात करते हैं? वर्टिब्रा। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अभी अपेंडिकुलर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। थोरेक्स कंप्लीट हो गया, अब अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रा। ठीक है, जो बैक में होती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो अपने स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती हैं, अपने बैक को सपोर्ट करती हैं, वो क्या होती है? वर्टिब्रा। अपन वर्टिब्रा के टोटल नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा की अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा तो आंसर क्या आएगा? 33।
ये जरूर ध्यान रखना, कभी वर्टी ग्राफ पूछ लेता है और टोटल नंबर ऑफ वर्टीब्रा कॉलम भी पूछ सकता है, वर्टीब्रा कॉलम। यदि टोटल नंबर ऑफ वर्टीब्रा कॉलम पूछता है तो इसमें अपना आंसर क्या आएगा, 26। कितना आएगा, 26। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वर्टीब्रा कॉलम होता है वो जो कोकिक्स होती है उसे क्रम जो वर्टीब्रा होती है उनके फ्यूजन से क्या बन जाता है, कॉलम, उसको कॉलम बोल देते हैं। इसलिए वो जो 9 जो अपनी जो वर्टीब्रा है उनको कंबाइंड में काउंट करके 26 आ जाएगी, और टोटल वर्टीब्रा की अपन बात करें तो वो 33 आएंगी। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी वर्टीब्रा होती है, नंबर्स में कितनी होती हैं। पहली अपन बात करें सर्वाइकल वर्टीब्रा, सर्वाइकल वर्टीब्रा, सर्वाइकल वर्टीब्रा टोटल कितनी होती है, 7। जो सर्वाइकल वर्टीब्रा होती है वो लार्जेस्ट वर्टीब्रा होती है, लार्जेस्ट वर्टीब्रा ऑफ बॉडी, बॉडी की जो लार्जेस्ट वर्टीब्रा होती है वो क्या होती है, सर्वाइकल होती है, ठीक है। और इसका जो और जो सर्वाइकल वर्टीब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टीब्रा का जो लास्ट वाली जो वर्टीब्रा होती है 7 नंबर की, वो क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है दोस्तों, क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है। जैसे फर्स्ट वाली एटलस होती है, सेकेंड वाली एक्सिस होती है, तो ऐसे ही लास्ट वाली क्या होती है, अपन जैसे पीछे फील करेंगे ना, यहाँ पे हाथ लगा के देख ला, यहाँ पे जो एक उबार वाला जो भाग अपन को फील होगा वो क्या है, प्रोमिनेंट, या मतलब 7 सर्वाइकल वर्टीब्रा। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा थोरेसिक वर्टीब्रा, थोरेसिक वर्टीब्रा की बात करें तो वो टोटल नंबर्स में कितने होते हैं, 12। फिर तीसरा होता है लंबर, लंबर वर्टीब्रा की अपन बात करें तो वो कितने होते हैं, 5, ठीक है दोस्तों। वैसे ही लास्ट वाला अपन इससे सेकंड लास्ट की बात करें, सेक्रल सेक्रल वर्टीब्रा की अपन बात करें तो वो कितने होते हैं टोटल नंबर में, 5। और कोकिक्स की अपन बात करें, कोकिक्स की अपन बात करें वो वर्टीब्रा की वो कितने होते हैं टोटल, ये 5 जो बोन्स, 5 वर्टीब्रा होती है उनके फ्यूजन से बनता है, और ये 4 बोन के फ्यूजन से बनता है। तो ये सेक्रल हो गया, ये कोकिक्स हो गया, ये अपनी वर्टीब्रा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों वर्टीब्रा के बारे में, अपने पढ़ा सेक्रल वर्टीब्रा, थोरेसिक वर्टीब्रा, लंबर वर्टीब्रा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टीब्रा कितने होते हैं, 33। और वर्टीब्रल कॉलम की बात करें तो वो कितने होते हैं, 26। अब अपन बात करेंगे जो टंग बोन होती है उसके बारे में, अपन देख लेते हैं एक बार, ये भी एग्जाम में आती है। जो टंग बोन होती है जिसे टंग जुड़ती है वो बोन क्या होती है, उस बोन को बोलते हैं हायर्ड बोन, क्या होती है, हायर्ड बोन, उसको क्या बोलते हैं, हायर बोन। बस आपको इस बोन के बारे में ज्यादा जानकारी यही है कि ये क्या होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्स हॉर्स शू शू सेप, या फिर इंग्लिश लेटर के यू सेप की जो बोन होगी, पूछा जाता है कि यू सेप की कौन सी बोन होती है, हॉर्स शू सेप की जो बोन होगी होती है वो कौन सी होती है, हाइड बोन। ये जरूर ध्यान में रखना। अब अपने टंग की बोन के बारे में पढ़ा, अब अपन नेक्स्ट अब एक्सियल क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है कि एक्सियल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आती है, कौन सी क्रेनियम की बोन है, कौन सी फेशियल बोन है। अब अपन अपेंडिकुलर बोन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल में कौन कौन सी अपने पहले थोड़ा जानकारी ली कि अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी की जो बोन्स होती हैं वो किस में आती हैं, अपेंडिकुलर में। तो अपन फर्स्ट पढ़ लेते हैं पहले अपर एक्सट्रीमिटी की, कौन सी पढ़ते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी की।
अब देखो दोस्तों, अपर एक्सपर्टीज में कौन कौन सी बोन आती है, लोअर एक्सपर्टीज में आपको पता है कि अपर एक्सपर्टीज में जैसे अपनी स्केपुला हो गई, अपने हैंड्स की हो गई, वो बोन्स आती हैं, वो क्या आती हैं, वो अपर एक्सपर्टीज में आती हैं। लोअर में फीमर, टीबिया, फिबुला, ये सारी बोन्स किस में आती है, लोअर एक्सट्रीम में। तो अपन इसके बारे में जानेंगे। अपर एक्सट्रीम में अपन पहले पढ़ते हैं, अपर एक्सट्रीम में अपन पढ़ते हैं पहला है कौन सा, स्केपुला। स्केपुला, स्केपुला अपन नंबर की बात करें तो वो टोटल कितने होते हैं, दो, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। स्केपुला, इसको स्केपुला ग्रिडल भी बोलते हैं, स्केपुला ग्रिडल भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसको स्केपुला ग्रिडल भी बोलते हैं या स्केपुला ब्लेड भी बोलते हैं, ब्लेड भी इसको बोलते हैं। स्केपुला का उनको यही है कि इसके अंदर इसकी जो स्केपुला की जो बोन होती है उससे जो एक्रोमेंट प्रोसेस है स्केपुला से, वो क्या क्लेविकुला के वहां से जुड़ती है, उसका एक एंड उस क्लेविकुला स्केपुला से जुड़ता है, और जो ह्यूमरल बोन होती है वो भी स्केपुला से जाके जुड़ती है। ये अपनी जो शोल्डर की जो है उसमें आएगी स्केपुला। दूसरी अपन बात करें किसकी, क्लेविकल की। क्लेविकल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, क्लेविकल क्या होती है, इसको कोलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलर बोन, ये जरूर ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, कोलर बोन, ठीक है। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लड़कियों की जो ब्यूटी होती है तो वो इसी से देखी जाती है, या किसी की प्रोमिनेंट होती है तो उसकी ब्यूटी ज्यादा अच्छी होती है, या फिर कम होती है तो उसकी कम होती है, उसी हिसाब से अपन को इसको जो होती है इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है और कोलर बोन भी बोला जाता है। इसका जो एक एंड होता है, जैसे ठीक है, इसका एक एंड होता है ये वाला, ये तो स्टर्नम एंड बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते हैं स्टर्नम एंड, जो क्या होता है स्टर्नम से जाके होता है, और इसको बोलते हैं एक्रोमियम एंड, क्योंकि ये एक्रोमियम जो प्रोसेस होती है इसके पुला की उससे जाके जुड़ता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका साफ्ट होता है, इसको साफ्ट बोलते हैं, या इसको मिडिल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मिडिल भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये मिडिल पार्ट है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली ऐसे आता है कि जैसे किसी का फ्रैक्चर होता है, तो यदि किसका क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होगा तो कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है, वो कौन सा है, साफ्ट या मिडिल पार्ट, यदि क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, इसमें साफ्ट वाले पार्ट में क्या होता है मोस्टली। और ये जो फ्रैक्चर होता है क्लेविकल का, वो मोस्टली ड्यूरिंग द बर्थ, बेबी का बर्थ होता है उस टाइम, जो बर्थ की प्रोसेस होती है उस टाइम क्या होता है, ये फ्रैक्चर होने के ज्यादा चांस होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा लिया कि स्केपुला, ये अपर एक्सट्रीमिटी में स्केपुला, क्लेविकल बोन, ये अपने देखा अभी। अब अपन बात करेंगे ह्यूमरस की, ह्यूमरस बोन होती है, वो अपन को पता है कि जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस जो बोन होती है वो नंबर्स में दो होती है, राइट और लेफ्ट। इसका जो अपर एंड होता है वो किससे, स्केपुला से जुड़ता है, लोअर एंड होता है वो अल्ना और रेडियस से जुड़ता है, बस अपन इसके बारे में यही जानेंगे। नेक्स्ट अपन थर्ड होगी, फोर्थ अपन बात करें तो इसके पहले अपन ने पढ़ ली कौन सी, स्केपुला और क्लेविकल। इसके नीचे अपन देखेंगे ह्यूमरस के बाद में रेडियस और अल्ना, रेडियस की अपन बात करें, रेडियस एंड अल्ना, ये दोनों क्या होती है, दो दो होती है, राइट में एक लेफ्ट में एक, और अल्ना भी दो होती है। टोटल इसकी बात करें, टोटल ये रेडियस और अल्ना, टोटल ये चार बोन होती है, दो राइट साइड में दो लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, कार्पल बोन, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपन को पता भी होना चाहिए
कार्पल एक टनल सिंड्रोम भी होता है, उसमें कौन सी नर होती है वो अपन डिजीज पोर्शन में या फ्रैक्चर में उनमें अपन पढ़ेंगे। बट अभी अपन कार्पल बोन के बारे में जानते हैं कि कार्पल बोन कौन कौन सी है। कार्पल बोन की अपन बात करें, कार्पल बोन जो टोटल होती है वो कितनी होती है, 8। राइट में 8 होती है, लेफ्ट में 8 होती है। टोटल की अपन बात करें कार्पल बोन की तो कितनी होती है, 16। टोटल की बात करें कार्पल बोन वो 16 होती है, और राइट एंड लेफ्ट की बात करें तो दोनों में 8-8 होती है। राइट हैंड में 8 होगी और इस वाले हाथ में 8 होगी, टोटल कितनी होगी, 16। अब कार्पल बोन टोटल होती है 8। एक अपन एक हाथ की बात करते हैं, दोनों का सेम ही नाम होता है। अब इसमें इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, कार्पल बोन को, कार्पल बोन को डिवाइड करते हैं तो इनको प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल और डिस्टल दो भागों में डिवाइड करते हैं। इनको डिवाइड इसलिए करते हैं कि प्रोक्सिमल वाले पार्ट में कौन सी बोन होती है, डिस्टल वाले में कौन सी। जैसे प्रोक्सिमल पार्ट किसको बोलेंगे अपन, जो बॉडी से नियर बाई है, जैसे मान लो कि मेरा हाथ है तो ये एल्बो वाला पास में है तो ये प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, फैलेंजेस मेरे हाथ से दूर है तो ये क्या हो गया, डिस्टल वाला पार्ट हो गया। तो अपन इसको पढ़ेंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल में। अब एक मेनोमिक्स है इनको याद करने का, सभी जो आठ बोन है इनके नाम याद करने का कि प्रोक्सिमल में कौन सी आएगी, डिस्टल में कौन सी आएगी, वो है श्यामलाल टिंडे पकाओ, टिंडे तुम्हारे श्यामलाल टिंडे पकाओ। ये तो हो गई कौन सी, प्रोक्सिमल वाली। सॉरी एक बार थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाए इसलिए मैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल आपने देख लिया, मैं यहाँ पे प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों को ही लिख देता हूँ। प्रोक्सिमल यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है कार्पल बोन है, और ये क्या है डिस्टल, ठीक है कार्पल बोन, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज में अपन पढ़ लें, अपर एक्सट्रीमिटीज में अपन ने पढ़ लिया स्टेबला, क्लेविकल पढ़ ली, उमरस पढ़ ली, रेडियस अल्ना पढ़ ली, अब क्या पढ़ रहे हैं कार्पल बोन। इसमें जो प्रोक्सिमल और डिस्टल वाले पार्ट में अपन पढ़ रहे हैं कि कार्पल बोन कहाँ कहाँ होती है, कार्पल बोन कौन कौन सी होती है। इसमें एक निमोनिक्स है वो है श्यामलाल टिंडे पकाओ, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अपन को प्रोक्सिमल वाली बोन और डिजिटल वाली बोन अपन को याद रहेगी, एग्जाम में अपन को पूछा जा सकता है। तो इसका होगा स्टेकोइड नाम, इसका होगा ल्यूनेट, इसको बोलेंगे ट्रेक्यूरियम और पीसीपॉम। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्रोक्सिमल पार्ट में कौन सी बोन होती है, जैसे फर्स्ट जो होगी वो कौन सी होगी, स्केपोइड होगी, लास्ट में जो होगी प्रोक्सिमल पार्ट में वो क्या होगी, पीसीपॉम। तो अपन को ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, वो आप याद करना, कैसे भी इसको याद करते हैं, श्यामलाल सीमालाल कोई भी कुछ भी कर सकते हो आप, जैसा आपको लगे। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट और एमलेट, ठीक है। ये वाली डिस्टल वाली होगी, ये प्रोक्सिमल होगी। तो ये अपन को पता चल गया कि डिस्टल वाली में ये बोन आती है। अपन को एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोक्सिमल कार्पल बोन कौन कौन सी है, तीन बोन्स का अपन को ये नाम दे दिया, एक नाम ये दे दिया, एक्सेट में पूछ लिया, तो अपन को सीक्वेंस पता हो और अपन को नाम पता हो तो अपन क्या कर सकते हैं, आराम से जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्या होगी, कार्पल बोन्स कंप्लीट हो गई। अब अपन इसके अपर एक्सट्रीमिटीज में पढ़ रहे हैं फैलेंजेस, फैलेंजेस होती है वो टोटल, मैं फैलेंजेस के बारे में वैसे ही बता देता हूँ। फैलेंजेस होती है वो टोटल मेटाकार्पल होती है, हाँ सॉरी उससे पहले अपनी होती है कार्पल, के बाद में आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल होती है वो पांच होती है दोनों साइड में, टोटल की बात करें तो 10 होती है, फैलेंजेस की बात करें तो 28 होती है, वन एंड में 14 और सेकेंड में 14, तो टोटल 28 होती है। फैलेंजेस का आपको पता ही है, जैसे थंब में 1-2 हो गई और सब में, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, सब में क्या हो गया, सब में टोटल 14 हो गई, ठीक है, और इसमें 14 हो गई। ये होगी फैलेंजेस की बात। अब अपन बात करते हैं एपेंडिकुलर के अंदर, नेक्स्ट दूसरा
पहला पार्ट अपने अपर एक्सट्रीमिटीज पढ़ा, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन कौन सा, लोअर एक्सट्रीमिटीज, दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में अपन बात करें तो टोटल बोन इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है, क्वेश्चन आ जाए पूछ ले तो टोटल बोन कितनी होती है इसमें, 62 बोन होती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में अपन पहले देखते हैं कौन सा, पेल्विक ग्रिडल, फर्स्ट इसमें देखते हैं हम पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल होते हैं वो नंबर्स में, अगर पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो वो कितने होते हैं, दो होते हैं। पेल्विक ग्रिडल कितने होते हैं ये ध्यान में रखना, पेल्विक ग्रिडल पूछे तो दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब पेल्विक ग्रिडल होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है, पेल्विक ग्रिडल होता है वो टोटल चार बोन से मिलकर बना होता है, कितनी बोन से मिलकर बना होता है, चार बोन से। मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा तो उसे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दो, एक और दो, ये तो क्या है दोनों इननोमिनेट, दो तो क्या होगी इननोमिनेटेड बोन। दूसरा होता है कोकिक्स, एक होती है सेक्रल, सेक्रम, सेक्रल बोन, और एक होती है कौन सी, कोकिक्स, एक होती है कौन सी, कोकिक्स होती है। ये टोटल चार बोन मिलकर के क्या बनाती है, पेल्विक ग्रिडल। अब पेल्विक ग्रिडल का भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल पेल्विक ग्रिडल कितनी बोन से मिलकर बना था, इननोमिनेट बोन किस में होती है, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि पेल्विक ग्रिडल में कितनी बोन होती है, और ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फीमर, पेल्विक ग्रिडल अपने पढ़ा कि चार बोन से मिलकर बना होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी इननोमिनेट बोन होती है पेल्विक ग्रिडल के अंदर, तो ये अपन को पता होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं फीमर, दूसरा है सॉरी फीमर। अब अपन फीमर देखते हैं, फीमर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, दूसरा क्या है, दूसरी क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, बस यही अपन को ये कभी कभार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बोन कौन सी होती है, फीमर क्या होती है, पेल्विक ग्रिडल से अटैच होती है, नीचे टीबिया और फिबुला से अटैच होती है, बस ये फीमर के बारे में है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पटेला, पटेला क्या होता है, पटेला जो अपना नी वाला पार्ट होता है उसको पटेला बोलते हैं, और पटेला जो नंबर्स में फीमर्स होती है वो टोटल दो कितनी होती है, दो होती है, सॉरी ये भूल गए अपन, पटेला कितने होते हैं टोटल दो, पटेला कितने होते हैं, पटेला कितने होते हैं दो होते हैं, कितने होते हैं दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीबिया और फिबुला, जो काफ में जो अपनी बोन्स होती हैं वो कौन सी होती है, टीबिया और फिबुला होती हैं, ये भी नंबर्स में दो होती हैं, फिबुला भी क्या होती है दो होती है। फिबुला के बारे में अपन कोई की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे जो वीकेस्ट बोन होती है अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो सबसे वीकेस्ट बोन होती है वो कौन सी है, फिबुला, ये जरूर ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अभी तक पूछा नहीं है कि वीकेस्ट बोन कौन सी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सबसे वीक बोन कौन सी है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, वो कौन सी है, फिबुला। अब अपने ये देखा, लास्ट में अपन बात करते हैं इसमें टार्सल बोन की, टार्सल बोन अपन बात करें जो अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज में होती है वो टार्सल बोन होती है, वो टोटल कितनी होती है, सेवन, टार्सल जो बोन होती है वो टोटल कितनी होती है, टोटल 14 होती है,
राइट में 7 और लेफ्ट में 7, टोटल टार्सल बोन 14 होती है। तो दोस्तों आज मैंने बहुत इसके बाद में टार्सल के बाद में इसकी आती है फेलेंजीज आती हैं, जो फेलेंजीज आती हैं वो टोटल 28 होती हैं, पैर की जो होती हैं वो कितनी होती है 28। इसके बाद में अपन एक टॉपिक बीच में रह गया, सॉरी वो भूल गए अपन, ईयर ओसिकल्स, जो ईयर की जो बोन होती हैं उनको क्या बोलते हैं ओसिकल्स, वो भी अपन एक बार देख लेते हैं कितनी होती है टोटल। ईयर ओसिकल्स की अपन बात करें ओसिकल किसको बोलते हैं, जो ईयर के अंदर अपनी जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन ईयर ओसिकल्स। ओसिकल्स होती हैं वो टोटल ईयर ओसिकल्स होती हैं वो कितनी होती है 6। अपन को ये बात जरूर ध्यान में रखना कि टोटल ईयर ओसिकल होती हैं कितनी होती है, नंबर्स में 6 होती हैं। अब ये कितनी बोन होती है, वैसे 6 बोन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मिस के नाम से आप याद कर सकते हो, मिस, ठीक है, मेलस, इंकस और स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज। सबसे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, जो एक चावल के दो दाना होता है उतनी ही बोन होती है, उसको जो स्मॉलेस्ट बोन है वो क्या है, स्टेपीज, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। ये कई बार बहुत बार पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, आपको अपन ने डिस्कस किया कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वीकेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ये सब अपन ने मोटा मोटा अच्छे से पढ़ा है। और ये टोटल जो बोन होती हैं, मेलस भी दो होती हैं, इनकस भी दो होती है और स्टेपीज भी दो होती हैं, टोटल बोन कितनी होती है 6। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।